है हमारा मिसकेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर टू। इसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो इसमें जो है पहला है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये जो है थीटा होता है फॉर ऑल, थीटा इज़ द एलिमेंट ऑफ 0, पाई। एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 13 पाई अपॉन 6 है वो एलिमेंट नहीं है, 0 और पाई के बीच में नहीं आता ये। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं देयर फोर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये 2 पाई प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा ही दे देगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, तो ये हमारा पाई बाई 6 आ जाएगा। और पाई बाई 6 हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि पाई बाई 6 जो है एलिमेंट है 0 से पाई के लिए। नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी में, कह रहा है कि टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसमें भी टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6 है ये हमारा। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि टेन इनवर्स जो टेन थीटा होता है वो थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल, थीटा इज़ द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 7 पाई बाई 6 है वो इसके अंदर वैल्यू नहीं लाई कर रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस 7 पाई बाई 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर सिंपलीफाई करेंगे। टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाई 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये हो गया हमारा टेन पाई प्लस थीटा, यानी ये हो गया हमारा टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 6। तो ये हो गया हमारा पाई बाई 6। पाई बाई 6 क्या है, पाई बाई 6 इज द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये इसके एलिमेंट इसके अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रूफ डेट है, प्रूफ डेट करना है इसमें कि 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 जो है 10 इनवर्स 24 बाई 7 के इक्वल हो। तो आइए इसको करते हैं। तो थर्ड हमारा है सिंपली, तो यहाँ पर हम लोग 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 है, तो इसको हम लोग लेकर के चलते हैं 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 LHS लेकर के चलते हैं। और ये 2 साइन इनवर्स x है, तो 2 साइन इनवर्स x का जो है फार्मूला, अगर इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल लें तो हम लोग 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला लगा सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, ये हमारा ट्रेंगल हो गया, ये हमारा सपोज़ कीजिए थीटा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये 4 आ गया। तो हम लोग साइन इनवर्स को लिख सकते हैं टेन इनवर्स एल्टीट्यूड अपॉन बेस, यानी 3/4। अब 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और दूसरा इसमें है कि इफ़ x इज ग्रेटर देन माइनस 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी साथ में कंडीशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x है यानी 3/4, ये माइनस 1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लाई कर रही है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, और इधर से सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 6/4 ये हो जाएगा, और इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4 24/7, और यही हमें प्रूफ करना था RHS में, टेन इनवर्स 24/7 लाना था। तो ये RHS के इक्वल हो गया। थर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ,
फोर्थ में प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36 है। तो इसको भी हम लोग करते हैं, LHS इसका ले लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें ये फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये होता है हमारा साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। और कंडीशन क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, बी इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये है यहाँ पर कंडीशन। और दूसरी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है लेस देन आर इक्वल टू 1 हो। तो ये चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि ये ए जो है 8/17 है, बी जो है 3/5 है, तो उनकी वैल्यू जो हम लोग देख सकते हैं कि जो ए है वो -1 से बड़ा ही है और बी जो है हमारा 1 से लेस देन है। तो ये हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ए है हमारा 8/17 और बी है हमारा 3/5। तो ये हो जाएगा 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा 8/17 इंटू 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16, यानी 16/25 यानी 4/5 प्लस 3/5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 289, और ये सॉल्व करेंगे तो 15/17 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद साइन इनवर्स, और इसके बाद इनको जो है दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 85 ये हो गया। तो ये आगे सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स 77/85। अब हमको जो है लाना क्या है कि प्रूफ में हमको जो है साइन को जो है 10 में लाना है, यही हमारा कह रहा है फोर्थ वाले पार्ट में। तो इसको लाते हैं हम लोग, तो टेन में इसको लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ट्रेंगल बनाते हैं, और ये हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये अंडर रूट में ऐसे 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा। यहाँ से एल्टीट्यूड अपॉन बेस लिख देंगे 77/36, यही हमारे को प्रूफ करना था, यही हमारा RHS हो गया। तो ये हमारा है क्वेश्चन। तो इसको जो है LHS में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो है मान लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 और जो बीटा है वो है cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ से आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5 और ये cos बीटा हो जाएगा 12/13। तो cos अल्फा cos बीटा ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग sin अल्फा निकाल सकते हैं। sin अल्फा जो है हमारा यहाँ से आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, और इधर से sin बीटा निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा हमारा साइन बीटा जो है निकालेंगे तो ये हो जाएगा 169/144 यानी 25 यानी 5/13। तो ये हो गया हमारा। अब ये इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग, हमें पता है फार्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है फार्मूला। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर cos अल्फ़ा जो है 4/5 हो गया और cos बीटा हमारा 12/13 हो गया, माइनस sin अल्फ़ा 3/5 हो गया और sin बीटा हमारा 5/13 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65 ये है और ये 48 हो गया और ये 15, तो 48-15 यानी 33/65 आ गया cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू।
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65, और अल्फा क्या है हकीकत में, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5, और बीटा क्या है हमारा, कॉस इनवर्स 12/13, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो यही एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमारा आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो इसको भी हम लोग करते हैं। फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में भी सिंपली उसी तरीके से करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम लोगों का जो है सिंपली अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं कॉस इनवर्स 12/13 को, और बीटा मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 को, ये हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ से कॉस अल्फा हमें मिल गया 12/13, और यहाँ से साइन बीटा हमें मिल गया 3/5। तो कॉस अल्फा मिल गया तो साइन अल्फा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 -12/13 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कॉस बीटा मिल जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1/3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 169/144, तो ये हो जाएगा हमारा 5/13, ये साइन अल्फा की वैल्यू हो गई। और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो कॉस बीटा है तो ये 25 -9 यानी 16 यानी 4/5 हो गया। तो अब हम लोगों को यहाँ से फार्मूला पता है कि जो साइन अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है हमारा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 5/13 गुणे कॉस बीटा हो गई 4/5, प्लस कॉस अल्फा हो गया हमारा 12/13 गुणे साइन बीटा हो गया 3/5, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो गया हमारा, और ये 36, तो ये हो गया 56/65। तो ये हो गया हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, साइन इनवर्स 56/65, ये हो गया। तो अल्फा की वैल्यू हकीकत में यहाँ से क्या हमने मानी थी, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स 12/13, और बीटा की क्या मानी थी, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो सिक्स्थ के बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसको भी हम लोग करते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें भी सिंपली जो है लेकर के चलते हम लोग इसके आर एच एस पार्ट को। आर एच एस में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन बीटा निकालते हैं, पहले इसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको एज्यूम करेंगे तो ये हो गया हमारा कि लेट लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू अल्फा एंड कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बीटा। तो साइन अल्फा हो गया हमारा 5/13 और कॉस बीटा हो गया हमारा 3/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा कॉस अल्फा अंडर रूट 1 -5/13 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कॉस बीटा ये हो जाएगा हमारा, सॉरी साइन बीटा यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये अंडर रूट 1 -3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 169 -25 यानी 12/13 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 -9 यानी 4/5 आ जाएगा। अब इसको हम लोग फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इससे हम लोग टेन अल्फा टेन बीटा निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा
यानी 5/13/12/13 यानी हो गया 5/12। और टेन बीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा यानी 4/5/3/5, दिस इज इक्वल टू 4/3। तो ये हो गया हमारा 4/3, तो ये हो गया हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 - tan α tan β, दिस इज इक्वल टू 5/12 + 4/3 / 1 - 5/12 × 4/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 48, ये हो गया, तो ये हमारा सॉल्व करने पे 15 + 36 LCM है, तो ये 48 हो जाएगा अपॉन में 36, नीचे ऊपर से कट जाएगा 36 - 20, तो ये हो गया हमारा 63/16। तो ये टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है हमारी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा टेन इनवर्स 63/16। तो अल्फा हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 5/13, और बीटा क्या माना था, कॉस इनवर्स 3/5, यही हम लोगों ने एज्यूम किया था यहाँ पर, तो इसको वैसे ही रख दिया, और दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16 आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है, तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ। एट्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है टेन इनवर्स 1/5 + tan inverse 1/7 + tan inverse 1/3 + tan inverse 1/8 इक्वल टू π/4 लाना है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो ये एट्थ हो गया हमारा, एट्थ में LHS ले करके चलते हैं हम लोग, और ये है LHS में हमारा टेन इनवर्स 1/5 + tan inverse 1/7 + tan inverse 1/3 + tan inverse 1/3 + tan inverse 1/8। तो इसमें जो इन दोनों का पेयर बना देंगे, तो इसको इसको लेके चलेंगे साथ में, इसको इसको, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला बन जा रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x * y प्लस टेन इनवर्स 1/3 + 1/8 1 - 1/3 × 1/8, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो गया हमारा 7/5 = 35, तो 1/ ये 7 और 5 = 12, तो 12/35 हो गया। इधर से करेंगे 35 - 1 यानी 7/5 = 35 - 1 = 34/35। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/24/23/24, तो ये और सिंपलीफाई करेंगे, टेन इनवर्स ये हो जाएगा 35 - 35 कैंसिल आउट हो गया, 12/34 आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/23, और इसको सिंपलीफाई अगर करेंगे तो ये 6 और ये 17 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 6/17 + tan inverse 11/23। तो आगे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फिर से लगेगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 6/17 + 11/23 / 1 - x * y 6/17 × 11/23, तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 138 + 23 × 17 यानी 391 138 + 187 अपॉन में ये आ जाएगा हमारा 391 - 66/391। तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये 138 + 187 हमारा हो जाएगा 325, और इसमें इसको करेंगे तो ये 325 आ जाएगा, तो 325/325 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4,
तो यही हमें प्रूव करना था कि LHS जो है RHS के कोलो पाई बाई फोर आना चाहिए। पाई बाई फोर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th के बाद प्रूफ डेट में 9th क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग करते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूफ डेट 10 इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0, 1। तो इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो है दिया हुआ है यहाँ पर कि RHS हम लोग लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में RHS है हमारा 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से रूट एक्स इक्वल टू 10 थीटा आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पुट अप करते हैं वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ कॉस इनवर्स 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो ये होता है हमारा कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू हाफ 2 थीटा, तो दिस इज इक्वल टू थीटा, और थीटा हमारा क्या है 10 इनवर्स रूट एक्स। 10 इनवर्स रूट एक्स दिस इज इक्वल टू LHS। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो यही हमें नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x अपॉन अंडर रूट 1 + sin x माइनस अंडर रूट 1 - sin x इक्वल टू x/2। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0, π/4। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो इसका LHS लेकर के चलेंगे हम लोग। तो LHS हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x अपॉन अंडर रूट 1 + sin x माइनस अंडर रूट 1 - sin x। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं कि sin²x/2 प्लस cos²x/2। ये तो हो गया हमारा 1, 1 की जगह ये लिख सकते हैं। प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 प्लस cos·cos x/2। तो ये हो जाएगा हमारा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर माइनस हो जाए 1 - sin x, तो ये क्या हो जाएगा cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 1 + sin x है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2। ये हो जाएगा और होल स्क्वायर है ऐसे अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सॉल्व करने पर कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 - sin x/2 अपॉन, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 - cos x/2 प्लस sin x/2। ये हो जाएगा, ये रूट ये स्क्वायर हट जाएगा और ये सॉल्व की ये हो गया। फिर उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास बचा कॉट इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया कॉट इनवर्स कॉट x/2 दिस इज इक्वल टू x/2। तो यही हमें प्रूफ करना था 10th क्वेश्चन में कि x/2 हमें लाना था। दिस इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा हो गया प्रूफ 10th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। 10th के बाद हमारा 11th क्वेश्चन है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x अपॉन अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x इक्वल टू π/4 - 1/2 cos इनवर्स x।
तो यहाँ पर हम लोग LHS ले करके इसको चलेंगे और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो 11th में हमारा है कि LHS हमको दिया हुआ tan इनवर्स अंडर रूट 1+x माइनस अंडर रूट 1-x अपॉन अंडर रूट 1+x प्लस अंडर रूट 1-x। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा रख देंगे। तो जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ से थीटा निकालें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब यहाँ पर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1+cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1-cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1+cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1-cos 2 थीटा। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा की जगह 2 cos² θ - 1 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं 1-2 sin² θ अपॉन 1+2 cos² θ - 1 प्लस 1-1-2 sin² θ। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद tan इनवर्स 1-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रूट 2 cos² θ - √2 sin² θ अपॉन रूट 2 cos² θ + √2 sin² θ। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा रूट 2 कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ। अब यहाँ से जो है cos θ ऊपर नीचे जो है कॉमन लेकर के डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1-tan θ अपॉन 1+tan θ। cos θ से इस पूरे को डिवाइड कर दिए। फिर आगे लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं tan π/4 - tan θ अपॉन 1+, यहाँ पर 1 × tan θ है तो 1 की जगह पर tan π/4 × tan θ लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा tan इनवर्स tan π/4 - θ। ये हो गया हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 - θ, और थीटा हमने क्या माना था, 1/2 cos inverse x, तो यहाँ पर लिख देंगे π/4 - 1/2 cos inverse x, दिस इज इक्वल टू RHS। यही हमें लाना था। 11th के बाद हमारा देखिए 12th क्वेश्चन है, 9π/8 - 9/4 sin inverse 1/3 = 9/4 sin inverse 2√2/3, तो ये हमें लाना है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ध्यान से गौर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 9π/8 - 9/4 sin inverse 1/3 = 9/4 sin inverse 2√2/3, ये LHS = RHS में दिया हुआ हमें प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है 9/4 वालों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9π/8 = इसको इधर ले आते हैं तो 9/4 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin inverse 2√2/3 प्लस sin inverse 1/3। ये हो गया हमारा। अगर हम इसको इसके इक्वल कर दें तो भी ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन को ऐसा लिखा है। तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और ऐसा प्रूफ करेंगे। तो हम लोग RHS अब इसका लेकर के चलते हैं। ये RHS में है 9/4 sin inverse 2√2/3 प्लस sin inverse 1/3।
तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, साइन इनवर्स के बाद एक्स, तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूले में है एक्स है हमारा ये टू रूट टू बाई थ्री इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ये यानी वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस टू रूट टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे नाइन बाई फोर इंटू साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस वन यानी एट, तो ये हो जाएगा एट को क्या लिख सकते हैं हम लोग टू रूट टू बाई थ्री, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वन बाई थ्री इंटू ये क्या हो गया हमारा एट और ये नाइन हो जाएगा नाइन माइनस एट वन यानी वन अपॉन नाइन का अंडर रूट वन अपॉन थ्री, ये हो गया हमारा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा नाइन अपॉन फोर इंटू साइन इनवर्स टू रूट टू, टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर टू जा एट हो जाएगा ये, तो ये एट अपॉन नाइन प्लस वन अपॉन नाइन, तो ये हो गया हमारा नाइन अपॉन फोर इंटू साइन इनवर्स नाइन अपॉन नाइन यानी वन, और ये साइन इनवर्स वन क्या होता है पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा नाइन बाई फोर इंटू पाई बाई टू, तो ये हो गया नाइन पाई बाई एट, यही हमें लाना था, दिस इज इक्वल टू एल एच एस, तो यही हमें यहाँ पर लाना था। तो इस तरीके से हमारा ये ट्वेल्थ क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। ट्वेल्थ के बाद हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स दिया हुआ है, तो थर्टीन क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सॉल्व करना है टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये टू टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको फार्मूला लगा करके हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये कहाँ से आया हमारा, टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह पे कॉस एक्स है तो वही मैंने रख दिया, और इसको वैसे ही बने रहने देंगे टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स। अब यहाँ पर भी टेन इनवर्स है, यहाँ पर भी टेन इनवर्स है, तो बोथ साइड कंपेयर करेंगे हट जाएगा, या फिर बोथ साइड टेन ले लेंगे तो भी हट जाएगा, या फिर इस टेन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू टेन टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, तो ये टेन इधर आया तो ये टेन इनवर्स इधर आया तो ये टेन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू कोसेक एक्स टू कॉस एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में इधर ले गए, तो कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स वन होता है तो यहाँ केवल साइन एक्स बचेगा, तो ये टू साइन एक्स दिस इज़ टू कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा टेन एक्स इज इक्वल टू वन, वन को क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, कंपेयर किया तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालने थी। थर्टीन के बाद हमारा फोर्टीन क्वेश्चन है टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। फोर्टीन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू को इधर ले आते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स,
तो ये हो जाएगा हमारा 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो वो साइड कंपेयर करेंगे तो टेन इनवर्स हट गया तो यहाँ पर आ गया आपका 2 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू ये 1 प्लस x ऊपर चला जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x ओनली। टेन इनवर्स इधर आएगा टेन हो जाएगा टेन इनवर्स x, x केवल दे देगा। अब उसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 माइनस x अपॉन यहाँ 2 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x इज इक्वल टू x, तो ये 2 हो जाएगा तो ये 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो यही हमारा आंसर हो गया मित्रों। नेक्स्ट है हमारे पास 14th के बाद है 15th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है साइन टेन इनवर्स x कॉमा मॉडुलस ऑफ x इज़ लेस देन 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आइए देखते हैं 15th में, तो 15th में है हमारा सिंपली कि साइन टेन इनवर्स x और मॉड x इज लेस देन 1 है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि अगर ये x है तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस होगा, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते, यानी ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से साइन इनवर्स निकालूँ तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा सही है, यही आंसर हो गया। 15 के बाद हमारा 16वां जो है क्वेश्चन में है, देखिए 16th में कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर ये 2 साइन इनवर्स एक्स है तो इसको जो है पहले सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये चीज़ हम लोगों ने एक पढ़ी थी कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ से मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको अगर इस टाइप से लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा, और एक तो ये माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है और इधर ये पाई बाई 2 है, तो इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा जब इधर आए तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब उसके बाद इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसको मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो हमारा क्या है अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, तो साइन अल्फ़ा जब हमारा एक्स हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसी तरीके से, जब इधर की ओर देखें तो ये माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो मैं यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ये अल्फ़ा लिख सकता हूँ, तो ये माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारा हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इस कॉस को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कॉस माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। कॉस 2 अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये जो है हमारा साइन अल्फ़ा क्या है हकीकत में एक्स है, तो यहाँ मैं एक्स रख दूँगा, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये हो जाएगा हमारा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, तो x कॉमन टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 0 कॉमा, लेकिन नहीं तो यहाँ पर अगर 1 अपॉन 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स
वन माइनस वन अपॉइंट टू, तो ये वन अपॉइंट टू आ जाएगा, माइनस टू साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 30 डिग्री पे देता है वन अपॉइंट टू, यानी ये पाई बाई सिक्स माइनस टू इंटू पाई बाई सिक्स, तो पाई बाई सिक्स माइनस टू इंटू ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो पाई बाई थ्री हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन सिक्स, तो ये हो गया माइनस पाई अपॉन सिक्स, जबकि ये आना चाहिए किसके, पाई बाई टू के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये वाला मिस्टेक हमसे हो रहा था, हमने इसको पूरा सॉल्व करके चेक करके नहीं देखा था, उसके लिए सॉरी बच्चों। तो यहाँ पर ये वन अपॉन टू जो है हमारा इनकरेक्ट है, इनवैलिड है, तो केवल एक्स इक्वल टू जीरो इज़ द वैलिड आंसर होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, ए नहीं होगा, सी इज़ द करेक्ट, सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेन इनवर्स हमारा एक्स एक्स ये पूरा है माइनस वाई ये पूरा है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स एक्स माइनस वाई, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बचा टेन इनवर्स वन, तो ये टेन इनवर्स वन क्या हो गया हमारा, दिस इज टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, तो ये हो गया हमारा पाई बाई फोर। तो ये जो पाई बाई फोर है हमारा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इनमें से, सी ऑप्शन मिल रहा है, तो सी आंसर इज़ द करेक्ट। तो यहीं तक था हमारा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा, करिएगा, देख करके भी सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा कमेंट में फिर पूछिएगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।